हाँ जी क्लास, तो हम लोगों ने सारी थ्योरम डिस्कस कर ली है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें से हमने 1 और 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैन द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - 5x + 7, क्या वो बोल रहा है कि ये एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स 2x² + 7x - 3 एंड x² + 3x - 5। तो मुझे इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना है। तो इसको क्या लिखेंगे, कुछ a इंटू स्केलर दिस प्लस b स्केलर इंटू दिस, है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखना है, इसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मैं a और b को दो स्केलर उठाऊंगी, ठीक है, फील्ड में से, सच दैट 3x² - 5x + 7 कैसे लिखा जाएगा, इक्वल टू a इंटू 2x² + 7x - 3 प्लस b इंटू x² + 3x - 5। इसको सॉल्व करके मुझे a और b निकालने हैं और चेक करने हैं कि ऐसे और भी एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ठीक है। तो अब आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2a प्लस b इंटू मैं x स्क्वायर कॉमन लिख लूंगी प्लस 7a प्लस 3b इंटू मैं x कॉमन, फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म क्या बच रही है, -3a - 5b। फिर राइट साइड में भी एक पॉलिनोमियल है, लेफ्ट साइड में भी एक पॉलिनोमियल है, कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2a प्लस b है, यहाँ पे 3 है, तो 2a प्लस b इक्वल टू 3 एक इक्वेशन मिली, नेक्स्ट 7a प्लस 3b इक्वल टू -5 और लास्टली -3a - 5b इक्वल टू 7। फिर से व्हाट आर यू गेटिंग इज कि आपको तीन इक्वेशन मिल गई हैं जिसमें से वेरिएबल कितने, सिर्फ दो वेरिएबल हैं a एंड b तीनों इक्वेशन में, और इक्वेशंस तीन है। तो आप लोग ऐसे इनको हमने क्या करना है, बेसिकली ऐसे दो वेरिएबल्स मतलब a और b की वो वैल्यूज आनी चाहिए जो इन तीनों को साइमल्टेनियसली क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो जब तीन इक्वेशंस हैं, वेरिएबल दो हैं, तो आप कोई भी पहले दो इक्वेशन सॉल्व करके a और b निकाल लीजिए और फिर वो a और b मैं थर्ड इक्वेशन में जाके रखूंगी सच दैट कि वो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब जो लेफ्ट साइड में अगर मैं a और b रखूं तो राइट साइड के इक्वल अगर आ गया तो मतलब ऐसे a और b एग्जिस्ट कर जाएंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले, और अगर वो इनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो नो, ऐसे ए और बी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते सच दैट मैं इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकूं। तो जैसे ही पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे खुद एलिमिनेशन लगा के या सब्स्टिट्यूशन से जिससे भी, तो सॉल्व करने से a - 14 आ रहा है, b - 31 आ रहा है, आप लोग भी कर लेना वेरीफाई कि ये आ रहे हैं नहीं आ रहे। और फिर जब मैं इन दोनों a और b को इसमें लेके रखती हूँ थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट साइड क्या है, -3 है - 5b, तो -3 a की जगह -14, -5 b की जगह -31, सॉल्व करेंगे 192 आ रहा है, बट राइट साइड क्या है 7, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, तो हैंस आपको ऐसे a और b नहीं मिल रहे हैं सच दैट इसके लिए कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ठीक है। तो यही आपको, तो इसमें क्या कह रहे हैं, कैन द पॉलिनोमियल बी एक्सप्रेस, नो, तो ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी स्केलर्स जो इसको ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में कर पाए कन्वर्ट। फोर्थ देखिए, अगला बोल रहा है फाइंड द कंडीशंस ऑन ए बी सी सच दैट, एक मैट्रिक्स दे रखी है a - b, b, c इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री मैट्रिक्स। इस बार क्या बोल रहा है कि आप ऐसे कंडीशन लेके आइए ए बी सी पे, इन ए बी सी पे सच दैट ये मैट्रिक्स इन तीन मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सके, ठीक है, मतलब लिखी जा सकेगी ये मैट्रिक्स। तो आपने पहली बात तो आप तीन स्केलर्स, क्योंकि तीन मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखना है, तो तीन स्केलर्स ले आएंगे a1 a2 a3 सच दैट ये जो मैट्रिक्स है a - b, b, c आप इसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, a1 × 1 1 0 - 1 प्लस a2 × 1 1 - 1 0 प्लस a3 × 1 - 1 0 0। तो ये सबसे पहले तो स्केलर सारे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो फाइनली आपको दो साइड मिल रही है, लेफ्ट साइड तो वही है, राइट साइड में क्या मिल रहा है, पहला एलिमेंट a1 + a2 + a3 a1 + a2 - a3 - a2 - a1। फिर जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल लिख दीजिए, पहले क्या मिल गया a = a1 + a2 + a3, एक क्या मिल गया -b = a1 + a2 - a3 = -b लिख दीजिए, नेक्स्ट b = -a2 एंड c = -a1, मतलब -a2 = b मतलब a2 = -b एंड a1 = -c, ठीक है, चार इक्वेशन मिल गई। अब आपको a2 a1 की तो वैल्यू मिल चुकी है, तो जैसे थर्ड इक्वेशन उठा लो, थर्ड इक्वेशन क्या है a1 + a2 + a3 किसके इक्वल, a के, आपको a1 और a2 की वैल्यू पता ही है, तो a3 की वैल्यू निकाल दो यहां से, a2 की जगह क्या लिखेंगे -b, a1 की जगह -c प्लस a3 = a, सॉल्व करूंगी तो a3 की वैल्यू क्या आ रही है a + b + c, तो a1 की वैल्यू भी निकल गई, a2 की भी निकल गई, a3 की भी निकल गई, एक चौथी इक्वेशन और बची है। लेकिन इस बार उसने ये नहीं कहा कि आप इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसने बोला कि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकेगी, ठीक है, बस आपको एबीसी पे कंडीशन ले आओ, तो मतलब ये चार इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो चौथी इक्वेशन है उसमें ए1 ए2 ए3 की वैल्यू लिख दीजिए और आपको कंडीशन मिल जाएगी एबीसी पे जैसा कि वो पूछ रहा आपसे। तो a1 + a2 - a3 किसके इक्वल है, -b के, a1 की वैल्यू डाल दो -c + a2 की वैल्यू -b,
माइनस ऑफ ए थ्री की वैल्यू क्या आई है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस बी है, पढ़ा, सब कुछ सॉल्व कर दीजिए तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ए बी सी पे ये कंडीशन है कि ए प्लस बी प्लस टू सी अगर जीरो के इक्वल आ रहा होगा ना, तब ये जो मैट्रिक्स है वो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर क्यूब ओवर आर। तो आपका वेक्टर स्पेस आर क्यूब है ओवर फील्ड आर, आपको देखो चार पार्ट्स से रखें, चारों पार्ट्स में तीन तीन पेयर से रखें, तीन तीन वेक्टर्स उठा रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसे पहला पार्ट देखिए, वन माइनस टू वन, टू वन माइनस वन, सेवन माइनस फोर वन। तो अब कैसे देखेंगे ये एल डी है या एल आई है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखेंगे और आपको वो स्केलर्स देखने हैं कि या वो सारे जीरो आ रहे हैं या फिर कुछ नॉन जीरो सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं ना, यही चेक करते हैं हम एल आई और एल डी के लिए। तो पहले मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया इन तीनों वेक्टर्स का जीरो के इक्वल, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखूंगी, कुछ स्केलर ए वन ए टू ए थ्री सच दैट ए वन इंटू वन माइनस टू वन प्लस ए टू इंटू टू वन माइनस वन प्लस ए थ्री इंटू सेवन माइनस फोर वन इक्वल टू जीरो, और जीरो एलिमेंट क्या है हमारे आर क्यूब ओवर आर वेक्टर स्पेस का जीरो जीरो जीरो। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा, पहला कंपोनेंट a1 माइनस टू ए वन कोमा ए वन, फिर प्लस नेक्स्ट क्या मिलेगा टू ए टू कोमा ए टू माइनस ए टू, फिर लास्टली सेवन ए थ्री, ये सेवन ही है ना, सेवन ए थ्री कोमा माइनस फोर ए थ्री कोमा ए थ्री, फिर तीनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा फाइनल जो वेक्टर मिलेगा a1 वन प्लस ए वन प्लस टू ए टू प्लस सेवन ए थ्री कोमा माइनस टू ए वन प्लस ए टू माइनस फोर ए थ्री कोमा ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। फिर कंपेयर कर दीजिए कोई भी दो वेक्टर कब इक्वल आएंगे, जब इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट इसके इक्वल, इसका ये कॉम्पोनेंट इसके इक्वल, ये कॉम्पोनेंट इसके इक्वल, तो फाइनली आपको ये मिल जाएगा ए वन प्लस टू ए टू प्लस सेवन ए थ्री इक्वल टू जीरो माइनस टू ए वन प्लस ए टू माइनस फोर ए थ्री इक्वल टू जीरो ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली आपको तीन इक्वेशंस मिल गए हैं तीन वेरिएबल के अंदर। तो आपको अब ये आप कैसे सॉल्व करते थे अगर ट्वेल्थ क्लास में अगर आप देखते थे, तो अगर आपको ऐसी इक्वेशंस मिल जाएंगी तो आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिखते थे ना, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप से, है ना, तो वही मैं लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बना ली मैंने, मैट्रिक्स क्या मिलेगी वन टू सेवन माइनस टू वन माइनस फोर वन माइनस वन वन, और वेरिएबल्स क्या है आपके ए वन ए टू ए थ्री इक्वल टू में राइट साइड की आपकी जीरो जीरो जीरो। तो मैंने इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में फॉर्म कर दिया है, ठीक है। अब एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, अब आप बजाय कि इसको पहले सॉल्व करते फिर आप देखते हैं ए वन ए टू थ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस क्या आ सकते हैं, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, फाइनाइट भी आ सकते हैं, सारे सॉल्यूशन थोड़ा निकाल सकते हो। तो जब आपका सिस्टम थ्री क्रॉस थ्री का ऐसे टाइप का बन जाता है तो उसमें आप क्या कीजिए, आप अपनी मैट्रिक्स जो आपकी बन रही है ना इस पे ध्यान दीजिए, ये कुछ सिस्टम बन गया है ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, क्या है यहाँ पे जीरो 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 है पड़ा, तो आप मेनली इसका डिटर्मिनेंट निकालिए इस वाली साइड का, अगर तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है जीरो, अगर तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है मतलब इस इक्वेशन के, इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आपका ये जो ए वन ए टू ए थ्री है मतलब आपको वो नॉन जीरो वाले भी मिल जाएंगे काफी, तो मतलब कि सिस्टम कैसा देगा, एल डी टाइप्स के वैक्टर्स हैं ये सारे के सारे, और अगर इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है नॉन जीरो, ठीक है, या आप लिख लेना कि अगर आपका डिटर्मिनेंट जो फाइनली अगर आपका पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स वाले में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर मैट्रिक्स वाले में कन्वर्ट करने के बाद ये जो मैट्रिक्स है ये है साथ में इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है जीरो मतलब आपके वेक्टर्स कैसे बनेंगे, एल डी बनेंगे, और अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है नॉन जीरो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट होने का मतलब इस सिस्टम का सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा जब आप इन तीनों को जीरो रखेंगे, क्योंकि आपको राइट साइड में जीरो चाहिए है ना, तो ये अगर हमारे पास अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो मतलब कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि ये तीनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वेक्टर कैसे बन जाएंगे, एल आई है ना, अगर सिर्फ जीरो 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 ही सॉल्यूशन है पड़ा तो एल आई है, और अगर डिटर्मिनेंट आ रहा है जीरो मतलब कि सॉल्यूशन कैसे है, एल डी है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको इसके, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना, अब आप खुद इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, चेक करना, आप इसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा, जीरो आएगा मतलब कैसे वेक्टर्स बन जाएंगे, फिर आपके एल डी बन जाएंगे। तो फिफ्थ के ये जो बाकी तीनों पार्ट है इनमें भी देखो यही सेम काम करना है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाना, पहले तो यही स्टार्ट करना, आपको एल आई एल डी चेक करना है, तो इनका क्या बनाना, लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रखना, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे, तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल्स में, ठीक है। उसके बाद उसको मैट्रिक्स सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट चेक करो जीरो है या नॉन जीरो है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप लोग,
सिक्स क्वेश्चन में भी यही करना है, वी वन यू टू वी थ्री तीन आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, तो शो करने के लिए कह रहे हैं कि ये एल आई है, ठीक है, तो एल आई शो कर देंगे बिल्कुल सेम फिफ्थ जैसे ही। उसके बाद आपको चेक करना है कि एक्सप्रेस करना है इन वेक्टर्स को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू वी थ्री, ये भी आप खुद करेंगे, इसको भी इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है आपको, तो वो स्केलर्स फाइंड कर देना। आपको क्या करना है, थ्री टू वन को क्या लिखना चाहते हो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री कर देना, सॉल्व करके ए वन ए टू ए थ्री निकाल देना, ठीक है। ऐसे ही इस वन 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 को भी इनके तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा सी। सेवन्थ क्वेश्चन में यही है, आपको वेक्टर्स दे रखे हैं वी वन टू थ्री माइनस वन माइनस वन, वी टू दे रखा है वन माइनस वन माइनस टू माइनस फोर, वी थ्री दे रखा है थ्री वन थ्री माइनस टू एंड वी फोर दे रखा है सिक्स थ्री जीरो माइनस वन। शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनते हैं, किस पे बनेंगे ये, किसके वेक्टर्स नहीं है आपने आर फोर ओवर आर के ना, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस वन ऑफ देम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चार वेक्टर्स दे रखे हैं, इनको वी वन वी टू वी थ्री वी फोर मान लेना, इनको चेक करना है एल डी एल आई है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन सबसे पहले जीरो के इक्वल रखो, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस ए थ्री वी फोर इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो ए वन इंटू वी वन क्या है टू थ्री माइनस वन माइनस वन प्लस ए टू इंटू वी टू क्या है वन माइनस वन माइनस टू माइनस फोर प्लस ए थ्री इंटू वी थ्री है थ्री वन थ्री माइनस टू प्लस ए फोर इंटू सिक्स थ्री जीरो माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। सो सॉल्व कर लेना, ठीक है, वही कंपेयर करके आपको बेसिकली चार इक्वेशन मिल जाएंगी, किसमें चार वेरिएबल्स में है ना। पहली इक्वेशन मिलेगी टू ए वन प्लस ए टू प्लस थ्री ए थ्री प्लस सिक्स ए फोर इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट मिलेगी थ्री ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री प्लस थ्री ए फोर इक्वल टू जीरो, माइनस ए वन माइनस टू ए टू प्लस थ्री ए थ्री प्लस जीरो इंटू ए फोर इक्वल टू जीरो, माइनस ए वन माइनस फोर ए टू माइनस टू ए थ्री माइनस सेवन ए फोर इक्वल टू जीरो। चार इक्वेशन चार वेरिएबल, फिर से इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, मैट्रिक्स सिस्टम में। तो ये सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होगा, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, टू वन थ्री सिक्स थ्री माइनस वन वन थ्री माइनस वन माइनस टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस फोर माइनस टू माइनस सेवन, और वेरिएबल्स क्या है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इक्वल टू में जीरो 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 जीरो। फिर से इस मैट्रिक्स सिस्टम का आपको बेसिकली सॉल्यूशन निकाल के लाना है ना, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। फिर से बजाय कि वो सॉल्यूशन फाइंड करने के, बस ये हम चेक कर लेंगे एल आई और एल डी के लिए, क्योंकि एल आई एल डी के लिए वो वेरिएबल्स मांग थोड़ा ना रहा है, वो तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि एल आई है एल डी है। एल आई कब होते हैं, जब से एक आपको यूनिक सॉल्यूशन जीरो 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 मिलेगा, और एल डी कब होगा, जब आपको जीरो 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 के अलावा कोई और सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सिर्फ जो मैट्रिक्स मिल रही है उसका क्या निकाल के, डिटर्मिनेंट निकाल के। अगर तो डिटर्मिनेंट फिर से इसका अगर जीरो आ रहा होगा तो क्या बन जाएंगे एल डी, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा होगा तो बन जाएंगे एल आई। तो देखो अभी चार क्रॉस चार की मैट्रिक्स बन रही है, तो चार क्रॉस चार का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही है पहला एलिमेंट टू, तो जैसे ही टू लिखोगे तो इसकी रो कॉलम एलिमिनेट करके जो ये मैट्रिक्स बन रही है थ्री क्रॉस थ्री की उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, माइनस वन वन थ्री माइनस टू थ्री जीरो माइनस फोर माइनस टू माइनस सेवन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा उसके लिए माइनस का साइन लगाएंगे है ना, माइनस वन इन टू, फिर से इसकी रो और कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो क्या मैट्रिक्स बन रही है थ्री वन थ्री माइनस वन थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस सेवन इसका डिटर्मिनेंट। फिर नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट एलिमेंट थ्री, इसकी रो कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो थ्री क्रॉस थ्री के एलिमेंट मैट्रिक्स क्या बन रही है थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू सॉरी माइनस वन माइनस फोर माइनस सेवन। फिर लास्ट जो एलिमेंट बच रहा है वो ये सिक्स, उसके लिए क्या आएगा साइन, माइनस का ऑल्टरनेट चलता है ना साइन, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो लास्ट में जो बचेगा सिक्स उसके लिए क्या आएगा माइनस सिक्स इंटू, इसकी रो कॉलम एलिमिनेट करी तो क्या मिली है थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स थ्री माइनस वन वन माइनस वन माइनस टू थ्री वन माइनस फोर माइनस टू। अब आप इन तीनों, आपको थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट निकालना आता ही है ना, ये थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट निकाल लेना सबके, इनको मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व करेंगे उस पूरे को, तो आपको फाइनली देखो आंसर क्या मिल रहा है सॉल्व करने के बाद जीरो। तो इस चार क्रॉस चार मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्योंकि जीरो आ रहा है, हेंस इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए सिर्फ आपको क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन विच इज जीरो 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 जीरो। हेंस ये चारों वेक्टर कैसे बना रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है मतलब इसके कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब आपको ए वन ए टू ए थ्री ए फोर कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे, कुछ नॉन जीरो वाले भी मिलेंगे, एक तो ट्रिवल सॉल्यूशन होता है जीरो 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 जीरो, उसके अलावा आपको और भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, और अगर और भी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं मतलब ये सिस्टम कैसा बना है एल डी बना है, ठीक है। तो ये सेवन क्वेश्चन हो गए।